के कोई 20 घंटे बाद कौमी सलामती पर अहम तरीन इजलास हुआ, लेकिन वजीर आजम इस इजलास में गैर हाजिर हो गए। हमारे वजीर आजम की यही तो खूबी है कि वो काम करें ना करें तकरीर बहुत अच्छी करते हैं। हुकूमत के अपने आदाद शुमार के मुताबिक इस मुल्क में इस वक्त 5 करोड़ लोग गुरबत की लकीर से नीचे हैं। इनमें से 2 करोड़ लोग इस हुकूमत के 3 सालों में गरीब हुए। वो क्यों गरीब हुए और वो इस दलदल से कैसे निकलेंगे इसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन वजीर आजम तकरीर बहुत अच्छी करते हैं। रियासत माँ के जैसी होती है, लेकिन ये कैसी रियासत है? यहाँ पिछले 3 साल में अगर कोई चीज मुस्तकिल बढ़ रही है तो वो है महंगाई। चीनी, आटा, घी, बिजली, गैस, पेट्रोल सब महंगा। ये है गरीब का असल मसला। अवाम को इस महंगाई से निजात कैसे मिलेगी इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन वजीर आजम तकरीर बहुत अच्छी करते हैं। इस हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, लेकिन उनके अपने 3 साल दौर में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इस मुल्क में बेरोजगारी को काबू करने के लिए हर साल कम से कम 20 लाख नौकरियों की जरूरत है। अब ये नौकरियां कहां से और कैसे आएंगी, इसका बंदोबस्त कौन करेगा, कुछ पता नहीं, लेकिन वजीर आजम तकरीर बहुत अच्छी करते हैं। उनकी तकरीर में अल्फाज थे, जज्बात थे, अपनी जदोजहद का अहवाल था, मुस्तकबिल के ख्वाब भी थे। अगर कुछ नहीं था तो अपनी 3 साल कारकर्दगी का हिसाब नहीं था।